माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान सुरेश पुजारी जी, संगठन की दृष्टि से विशेष रूप से आए यहां पर सह प्रभारी के रूप में श्रीमान अरविंद मेनन जी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान विश्वप्रिय राय चौधरी जी, श्रीमती मौसमी विश्वास जी, जिलाध्यक्ष बारासा श्री प्रदीप बनर्जी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल कांत देवनाथ जी, स्टेट प्रेसिडेंट युवा मोर्चा गुजरात श्री ऋतुवेश पटेल जी, स्टेट प्रेसिडेंट अनुसूचित जाति मोर्चा श्री अरुण हरदार जी, तुरीन मंडल जी, स्वपन मंजूमदार जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित पदाधिकारी और इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरे बारासात से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं बंगाल की धरती को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल भारत के राष्ट्रवाद की भूमि है और राष्ट्रवाद की भूमि, जिस भूमि में रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी साधना के माध्यम से हम सबको तत्वबोध कराया था और जिस धरती से संघनाद करते हुए स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में एक संघनाद किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने? गर्व से कहो। स्वामी विवेकानंद की इस पवित्र भूमि को और पूरी दुनिया के अंदर भारत की क्रांति धारा को आगे बढ़ाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जय हिंद के उद्घोष के माध्यम से भारत के अंदर एक नई क्रांति की ज्वाला फूंकी थी। भाइयों बहनों, हमारे देश धरती का महत्व तो इसलिए भी है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को राष्ट्रगान इसी बंगाल की धरती से दिया था। जो लोग भारत के राष्ट्रवाद पर प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं, जो लोग भारत के राष्ट्रवाद को छुटलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ के उपन्यास को पढ़ना चाहिए और वंदे मातरम गीत का गान करना चाहिए। उन्हें भारत के राष्ट्रवाद की सही तस्वीर उनके सामने आ जाएगी। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाले महापुरुषों की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। और भाइयों बहनों, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी भूमि है। मैं इस धरती को इसलिए प्रणाम करता हूं क्योंकि जब भी भारत के अंदर कहीं भी कोई बात हुई, बंगाल सदैव अग्रणी भूमिका में रहा। मुझे याद है राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले सन्यासियों की इस परंपरा में भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की भी भूमि यही बंगाल की धरती रही है।
पूरे देश के अंदर उनके सन्यासियों के द्वारा जो कार्य होता है वो अद्भुत कार्य है, अद्भुत है। और भारत सेवा श्रम संघ या फिर भारत के अंदर सन्यासी विद्रोह की जो बात आती है उसकी तह में जब हम लोग जाते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि बनती है उस परंपरा के साथ जिस परंपरा के मैं स्वयं योगी हूं। ग्यारह में स्वामी प्रणवानंद जी ने बंगाल से जाकर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में योगिराज बाबा गंभीरनाथ जी से योग की दीक्षा ली थी और इस स्मृति में 100 वर्ष पूरे होने पर भारत सेवा श्रम संघ के सभी सन्यासी वहां आए थे। बहुत भव्य आयोजन किया था। भारत के अंदर राष्ट्रवाद के लक्ष्य जगाने वाले इन सभी पूज्य संतों महापुरुषों योगियों इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। महर्षि अरविंद भी तो बंगाल की देन है, जिन्होंने एक बात कही थी कि हमारी कोई जाति नहीं, हमारा कोई मत नहीं, हमारा कोई मजहब नहीं, हमारा केवल एक धर्म है और वह राष्ट्र धर्म है। क्या राष्ट्र धर्म के इस वाक्य को बंगाल के अंदर जिस रूप में रोंदने का कुत्सित प्रयास आज यहां की राज्य सरकार और टीएमसी के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है, क्या इसके बारे में यहां के मुख्यमंत्री और यहां का प्रशासन तनिक भी ध्यान देगा? भाइयों बहनों, मैं इस बात को इसलिए कहता हूं, हमने सदैव सदैव सभी उपासना विधियों का सम्मान किया है, जो मूर्ति पूजक हैं उनको भी सम्मान दिया है, जो नए हैं उनको भी सम्मान दिया है। दुनिया की ऐसी कौन सी जाति, कौन सा ऐसा मत, कौन सा ऐसा मजहब, कौन सा ऐसा सेक्ट है जिसको उसकी विपत्ति के समय में हमारी भारत की संस्कृति ने शरण न दिया हो, उसको फलने फूलने का अवसर न दिया हो। मुझे कल दीदी ममता जी के एक बयान पर बहुत आपत्ति भी हुई और मुझे सख्त ऐतराज भी है। वास्तव में एक झूठ को बोलने के लिए उन्होंने कितने झूठ का ताना बाना बुनने का कुत्सित प्रयास किया है, एक झूठ बोलने के लिए। लेकिन एक झूठ हमेशा झूठ ही होता है, 100 झूठ बोलने पे वो सत्य नहीं हो जाता है। ममता दीदी, आपकी तानाशाही पूर्ण सरकार, गुंडों को प्रश्रय देने वाली सरकार, दंगों को भड़काने वाली सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। इसकी एक्सपायरी डेट बंगाल की जनता लिखने जा रही है और कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक रोड शो पर जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है, इसने लोकतंत्र के एक नए काले अध्याय की शुरुआत की है। और याद रखना, ये हमला टीएमसी की सरकार की अंतिम ताबूत बनने जा रही है। याद रखना, टीएमसी के गुंडों को कहीं सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, जिनको टीएमसी की सरकार, राज्य सरकार प्रश्रय दे रही है, वही लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। ईश्वर चंद विद्यासागर हम सबके भी महापुरुष हैं, पूरे देश के महापुरुष हैं, बड़े समाज सुधारक हैं, महापुरुष हैं। उनकी पूजा, उनकी उपासना, उनका सम्मान पूरा भारत करता है। हम तो मूर्ति की स्थापना करते हैं, मूर्ति लगाते हैं, मूर्ति खंडित नहीं करते हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं, क्या ये सच नहीं कि जिन गुंडों को आपने पाला हुआ है, ये गुंडे जगह जगह जाकर के मूर्तियों को खंडित करके काफी ऐसी जगहों पर जो दंगे फसाद हो रहे हैं, हिंदुओं को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अपनी इस कमी को छुपाने के लिए आपने ईश्वर चंद विद्यासागर को
कि मूर्ति को मोहरा बनाने का कुत्सित प्रयास किया है, लेकिन बंगाल की जनता आपके इस षड्यंत्र को भी पूरा नहीं होने देगी। मुझे आश्चर्य होता है आज बंगाल के अंदर जय श्री राम के नारे को भी प्रतिबंधित किया जा रहा है। कहा जा रहा है नारा क्यों लगा? भाइयों बहनों, हमारे यहां भारतीय परंपरा में हम लोग जागते हैं राम राम बोलते हैं, सोते हैं राम राम बोलते हैं, आपस में मिलते हैं राम राम बोलते हैं, किसी अभियान में जाते हैं जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन बंगाल की सरकार है ये राम नाम पर प्रतिबंध लगा रही है, जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है। वैसे ममता दीदी को प्रतिबंध लगाने में बड़ी महारत हासिल है। इन्होंने पिछले साल यहां पर सदियों से चली आ रही दुर्गा पूजा की परंपरा को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। भाइयों बहनों, मुझे याद है एक साथ पूरे देश के अंदर दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हो गए थे। उत्तर प्रदेश में भी था, बंगाल में भी था। उत्तर प्रदेश में हमारे अधिकारी आए, उन्होंने कहा कैसे आयोजन हो पाएंगे, क्या पूजा के समय करते? मैंने कहा पूजा का समय के आगे पीछे नहीं होगा, जब पूजा होनी है मां की तभी पूजा होगी, और समय बदलना है तो मुहर्रम के जुलूस के समय को बदल दो, ताजिया के जुलूस का समय बदलेगा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में एक भी वारदात नहीं, और मैंने इस बात को कहा मेरी सरकार को उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष हो गए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर मोदी जी के आह्वान पर, आदरणीय अमित शाह जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट किया था। 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। जितने लोग उत्तर प्रदेश के अंदर उससे पहले जो टीएमसी के सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में शासन करते थे, उनके समय में जहां जहां से पलायन होता था वहां वहां से हिंदुओं को वापस लाया गया है, वे आज वहां पर वापस आ गए हैं और गुंडे वहां से पलायन कर गए हैं। हमने 2 बात साफ कही है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा, कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं। और भाइयों बहनों, आज उसका परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश में कानून के राज का परिणाम है गुंडे या तो जेल में हैं, या फिर हमने उनकी राम नाम सत्य है की यात्रा निकाल दी है, उनके लिए कोई तीसरी जगह बची ही नहीं है, वहां दंगे फसाद की कोई जगह ही नहीं। और वहां पर जब एक साथ विजयादशमी, दुर्गा पूजा का आयोजन और मुहर्रम एक साथ पड़ गया, प्रशासन वहां पर भी मुझे पाठ सिखाने का प्रयास किया, ये करते हैं कि दुर्गा पूजा का समय कम करा देते हैं। मैंने कहा कोई समय कम नहीं होगा, पूरी पूजा होगी, पूरी भव्यता के साथ होगी, पूरी दिव्यता के साथ होगी, आवश्यकता पड़ती है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की तैयारी भी करो, लेकिन कोई कमी नहीं होने देंगे। और मैंने इस बात को भी कहा कि मुहर्रम के जुलूस के नाम पर कहीं उदंडता करोगे तो फिर ये अंतिम जुलूस होगा, इसके बाद से कभी जुलूस नहीं करने पाएंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई दंगा फसाद की बात सामने आई? कहीं नहीं हुई, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। और ममता दीदी ने एक स्वर में कह दिया कि दुर्गा पूजा होनी ही नहीं चाहिए, रोक लगा दी। वो तो यहां के श्रद्धालु जन, मां दुर्गा जी के भक्त, मां काली के भक्त जब कोर्ट में गए और माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हो सकता तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता, कोलकाता में क्यों नहीं हो सकता, बारासात में क्यों नहीं हो सकता है? यहां पर न्यायालय को बार बार सरकार को बताना पड़ता है तब जाकर के इनकी आंखों को कुछ दिखाई देता है, इनकी कानों को सुनाई देता है,
आपकी आस्था इनको नहीं दिखाई देती, आपकी पुकार इनको नहीं सुनाई देती। जो लोग आपकी पुकार नहीं सुन सकते, जो लोग आपकी गुहार नहीं सुन सकते, क्या उनको वोट मिलना चाहिए? उनको वोट मिलना चाहिए? ये बंगाल, आखिर बंगाल के अंदर इतना संकट आज क्यों आया है? पूरा देश विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है, और भाइयों बहनों मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, पूरे देश में एक ही लहर है। और सचमुच मैं पिछले दिनों पुरुलिया भी गया था, मैंने पहली सरकार देखी इतनी तानाशाही पूर्ण सरकार, जिसने मेरा हेलीकॉप्टर ही लैंड नहीं करने दिया था, आज भी परमिशन नहीं दे रही थी, कल रात्रि को परमिशन मिली है। जब हमारे भाजपा के पदाधिकारी आंदोलन किए तब रात्रि को परमिशन मिल पाई, नहीं तो परमिशन भी नहीं दे रही थी सरकार। मैंने कहा जाऊंगा जरूर, पुरुलिया भी गया था, और मैंने कहा 12-7 में अगर सभा है तो जाऊंगा जरूर, चाहे कैसी भी स्थिति हो। इस अराजकता के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, और मैं तो अभिनंदन करूंगा सचमुच। कल रोड शो का जो कार्यक्रम हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का जो रोड शो का कार्यक्रम हुआ था, मैं अभिनंदन करूंगा कि इतनी गुंडागर्दी, इतनी अराजकता के बावजूद टीएमसी के गुंडे जगह जगह तोड़फोड़ अराजनी कर रहे थे, प्रशासन मौन बना हुआ था, उस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बंगाल की जनता ने टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी को धत्मदत्ता बताते हुए अपना रोड शो के कार्यक्रम को अनवरत जारी रखा। और मैं अभिनंदन करूंगा उन कार्यकर्ताओं का जो विपरीत परिस्थितियों में इस तानाशाही के खिलाफ, इस अराजकता के खिलाफ यहां पे लड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा घर घर में लगाने की तैयारी के लिए यहां पर आई है। भाइयों बहनों, हमारे लिए सचमुच बहुत बड़ी बात है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपके द्वारा कार्य किया जाना बात को साबित करता है कि ममता दीदी पूरी तरह निराश और हताश हो चुकी है। और मैं तो इस बात को कहने के लिए आया हूं, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के रोड शो के कार्यक्रम पर टीएमसी के गुंडों का हमला इस बात को साबित करता है कि कल के हमले ने टीएमसी की सरकार की एक्सपायरी डेट भी लिख दी है कि 23 मई के बाद बंगाल के अंदर भी राष्ट्रवादी सरकार का ही पुनर्गमन होना है। और उस विषय आज मैं आपके पास आया हूं, पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, पूरे देश के अंदर पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है, पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है। मेरे साथ एक बार दोहराइए इसको और दीदी के कानों तक आवाज पहुंचे, पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है, एक ही आवाज है। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी जी ने कार्य किया है और हर एक क्षेत्र में कार्य किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर मोदी जी की सरकार ने जितना मजबूत कार्य किया है, आपने देखा होगा मोदी जी कोलकाता में दमदम में भाषण दे रहे होते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस्लामाबाद में पसीना छूटता है। ये है भारत, ये है भारत की नई ताकत। जो आतंकवादी जगह जगह विस्फोट करते थे, आज उनका दुस्साहस नहीं कहीं विस्फोट कर सके, क्योंकि उन्हें और उनके आकाओं को मालूम है ये नया भारत है, मोदी का भारत है, और मोदी के युग में अगर भारत की जनता को छेड़ोगे तो मोदी छोड़ेंगे नहीं, पाताल में भी छुपे होंगे, उखाड़ लेके आ जाएंगे और फिर घुस घुस करके मारेंगे। भाइयों बहनों,
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बड़ा कार्य देश के अंदर हुआ है। 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश पूरे देश के अंदर हाईवे में, वाटरवे में, रेलवे में, मेट्रो में, एम्स के लिए, आईआईटी के लिए, IIIT के लिए, अन्य तमाम संस्थाओं की स्थापना के लिए अगर किसी ने कराया है 5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में कराया है। और अगर गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात मैं कर सकता हूं, भाइयों बहनों, 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को मकान दिलाया प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के कनेक्शन दिलाए, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन उपलब्ध कराए, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस के LPG के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, 10 करोड़ गरीब परिवारों को एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराया गया, 12.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था की गई, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग खोला गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना में 37 करोड़ गरीबों के लिए बैंक में खाते खोल करके जनधन योजना में उनका अकाउंट खोल करके उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की व्यवस्था की। भाइयों बहनों, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1.6 करोड़ किसानों को 4,000 की 2 किस्त पहुंच चुकी है। बंगाल की सरकार सोची ही नहीं भेजती, दीदी को फुर्सत ही नहीं, झगड़ा फसाद करने से फुर्सत हो तो यहां के किसानों की सूची भेजे, उनको कोई मतलब ही नहीं। यहां का किसान नहीं पाया इसलिए क्योंकि यहां की सरकार ने अब तक सूची नहीं पहुंचाई है। और यही नहीं, आयुष्मान भारत में हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन ममता दीदी को भी उन गरीबों की चिंता नहीं कि उन्हें भी 5 लाख की सुविधा बंगाल में भी मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में, मेरे उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो रही है, आखिर बंगाल में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दीदी को इन सब चीजों से फुर्सत ही नहीं। गुंडों को पालने से फुर्सत हो तो वो इधर ध्यान दे, यहां पर दंगाइयों को पालने से फुर्सत हो तो इधर ध्यान दे, अराजकता फैलाने से फुर्सत हो तो इधर ध्यान दे, उनको तो इससे कोई मतलब ही नहीं। और इसलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों, ये चुनाव एक सामान्य चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है, भारत का चुनाव है, भारत को नया भारत बनाने का चुनाव है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करने वाला भारत, स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने वाला भारत, स्वामी परमानंद जी के सपनों को साकार करने वाला भारत, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सपनों को साकार करने वाला भारत, बंकिम चंद्र चटर्जी के सपनों को साकार करने वाला भारत, एक ऐसा भारत जो एक भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, और एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए आज चुनाव हम लोग यहां पर आपके बीच में आए हैं। सचमुच चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ देख करके बंगाल के अंदर दीदी की सरकार और स्वयं दीदी की सरकार और उसके सारे गुंडे बौखला गए, परेशान हो गए, निराश हताश है। भाइयों बहनों, एक दिन आप भी देखेंगे, आने दीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ये TMC के गुंडे अपनी गली अपने गले में एक तख्ती लटका करके चलेंगे कि अब हम लोग भी सड़कों पर ठेला लगाएंगे, किसी गरीब को छेड़ेंगे नहीं, और ये स्थिति आने वाली है। क्योंकि TMC के जो गुंडे उत्पात मचा रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में भी कभी इनके सहयोगी गुंडे उत्तर प्रदेश में भी उत्पात मचाया करते थे, और आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून के राज की प्राप्ति करने के बाद जितने भी उपद्रवी तत्व थे, जितने भी अराजक तत्व थे, जितने भी गुंडा और माफिया प्रवृत्ति के तत्व थे, इन सभी तत्वों के खिलाफ जब कार्रवाई प्रारंभ हुई, कुछ लोग जेल गए, कुछ लोग दूसरे लोक की यात्रा में चले गए, और जो बचे थे गले में तख्ती टांग करके आज घूमते हैं कि हमें बकस दो, हम ठेला लगा करके अपना पेट भर देंगे, लेकिन किसी गरीब पर और किसी नागरिक पर गोली चलाने का तो साहस नहीं करेंगे, किसी के घर पर किसी की संपत्ति पर कब्जा करने का साहस नहीं करेंगे। ये स्थिति बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी लाएगी और उसकी शुरुआत आपने कर दी है चुनाव के माध्यम से। भाइयों बहनों, ये चुनाव भारत निर्माण के लिए है और मोदी जी ने 5 वर्ष में जो परिश्रम किया है, मोदी जी ने देश को जो सम्मान दिलाया है, विकास की जिस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है, गरीबों तक योजनाओं का लाभ देने का कार्य किया है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की दिशा में जो कदम उठाए हैं, आज उससे परेशान है सब लोग। परेशानी इसी बात को लेकर के है कि अगर मोदी जी का डिजिटल इंडिया सफल हो गया तो फिर टीएमसी के गुंडों की कमीशन खोरी, लूट खसोट, ये सब बंद हो जाएगी और उसको कैसे किसी भी प्रकार से हो, कांग्रेस हो या विपक्ष के जितने भी दल हैं, इनके द्वारा एक ही प्रयास किया जा रहा है, किसी भी प्रकार से मोदी जी को रोको। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज एक बार फिर आपसे कह सकता हूं, वास्तव में बंगाल के अंदर टीएमसी को एक भी क्षण शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं रहा। इन्होंने अराजकता की जिस प्रकाष्ठा को पूरा कर दिया है, कभी दुर्गा पूजा पे रोक लगाते हैं, कभी जय श्री राम के नारे पे रोक लगाने की कुत्सित चेष्टा करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के आगमन को रोकने का कुत्सित प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्हें भय है अगर अमित शाह जी आएंगे तो टीएमसी के सारे कारनामों का भंडाफोड़ कर देंगे, जनता जागरूक हो जाएगी, इनकी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी, इसलिए वे अमित शाह जी का कार्यक्रम नहीं होने देते, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं देते, कार्यक्रम नहीं होने देते हैं। लेकिन इस सबके बावजूद सारी पाबंदी, सारी तानाशाही का मुकाबला करते हुए आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, सचमुच आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं कि आपने एक तानाशाही पूर्ण सरकार के खिलाफ, उसकी अराजकता पूर्ण और उसकी बर्बर कार्रवाई के खिलाफ, उसकी अलोकतांत्रिक कार्रवाई का विरोध करते हुए आज आप सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर उपस्थित हुए हैं। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, जब पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश, पूरा भारत डोल रहा है और मोदी मोदी बोल रहा है, जब पूरा देश मोदी मोदी बोल रहा है तो बंगाल से भी तो यही आवाज निकल रही है। कौन सी आवाज है? सभी लोग एक स्वर में बोलो, मोदी मोदी का स्वर। पूरे बंगाल से भी स्वर आना चाहिए और 6 चरणों के चुनाव ने साबित किया है कि बंगाल ने शुरुआत की है और बंगाल ने कहा है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के लिए बंगाल ने जो लड़ाई ली है, भाइयों बहनों, मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं कि पूरा देश तैयार है। अब यह अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है, निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है। जो लोग लोकतांत्रिक पद्धति को रौंदना चाहते हैं, उनके सपने धराशायी हो जाएंगे। हम लोग हर प्रकार की गुंडागर्दी और अराजकता की छाती पर चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और बंगाल की जनता को इस तानाशाही व्यवस्था से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा।
इस बात को लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं। और भाइयों बहनों, आप निश्चिंत रहिए, आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक मेजोरिटी के साथ आई ना। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है ना, मोदी जी ने आह्वान किया और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश की पूरी जनता मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दी। आज उसका परिणाम क्या है, 2 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं होता, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई गुंडा टैक्स नहीं। ये जो टीएमसी के गुंडे गुंडा टैक्स वसूली करते हैं, ये सब उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर सकता। कोई गुंडा टैक्स वसूलेगा तो बदले में टैक्स तो नहीं मिलेगा, गोली जरूर मिल जाती है। और भाइयों बहनों, ये स्थिति आप देखना, बंगाल की जनता को भी इस गुंडागर्दी से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। और बंगाल तो हमारे राष्ट्रवाद की धरती है। मैं इस राष्ट्रवाद की धरती में, जहां पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस बंगाल के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, बंगाल में अकाल में उनकी लड़ाई रही हो या फिर बंगाल के उत्थान में पुनरुत्थान में उनका योगदान रहा हो, उन सभी महापुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर के जिस तेजस्विता के साथ ये नेतृत्व पूरे देश के अंदर जा रहा था, उस समय जिन लोगों ने खड्यंत्र किया था, वही लोग आज उन्हीं की वर्तमान पीढ़ी फिर से खड्यंत्र कर रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का यह वेग कोई रोक नहीं पा सकता। 6 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, पूरा देश मोदी मोदी बोल रहा है और मोदी जी के इस अभियान के साथ बंगाल भी खड़ा है। बंगाल में अंतिम चरण में 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, क्या ये 12/7 लोकसभा सीट कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी के लिए आप सब समर्थन और सहयोग देने के लिए तैयार हैं? पूरी जनता बोलिए, एक साथ दोनों हाथ लगाकर के बोलेंगे, आप सब लोग तैयार हैं? याद रखना, कमल चुनाव चिन्ह पर जो बटन आप दबाएंगे वह मोदी जी को वोट जाएगा, सारा वोट मोदी जी को जाएगा। और इतनी भारी संख्या में आप आए हैं, अगर मेरा मानना है कि आप लोगों ने इसी मीनार कांडी देवनाथ जी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, ऐसे ही डॉक्टर जब हमारे यहां से चुनाव जीत करके जाएंगे, ये डॉक्टर टीएमसी का उपचार कायदे से सर्जरी करके करेंगे, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, बंगाल के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे देश के अंदर अपने 14 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ये सारे के सारे कार्यकर्ता बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे, एक एक बूथ की जिम्मेदारी संभाल देंगे और मजबूती के साथ खड़ा कर देंगे, तो बोल देंगे उनको कि 23 मई की तिथि टीएमसी की उल्टी गिनती प्रारंभ होने की तिथि है, एक सारी देश लिखने की तिथि है, अभी भी नहीं सुधरे तो फिर उसके बाद गले में तख्ती लटका करके जाना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, मैं इसलिए आह्वान करूंगा आप सबका, भारतीय जनता पार्टी ने एक सहयोग के प्रत्याशी आपके बीच में दिया है और आपकी सेवा करेंगे, आपके हितों के लिए कार्य करेंगे। यहां 12/7 को टीएमसी के गुंडों से मुक्त कराने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे। मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने, उनके विकास के अभियान को पूरे 12/7 में पहुंचाने, बंगाल में पहुंचाने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहां के गरीबों को, यहां के किसानों को, यहां के नौजवानों को, यहां की महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को पहुंचाने में हमारे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मृणाल कांति देवनाथ के द्वारा आप सबके लिए किया जाएगा। और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं, ये चुनाव देश का चुनाव है, हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जो घुसपैठिए देश के अंदर घुस चुके हैं, इनको बाहर निकाला जाना चाहिए कि नहीं निकाला जाना?
मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कमल चुनाव चिन्ह पर 19 मई को भारी मतों से विजयी बना के भेजेंगे। सब लोग तैयार हैं? सब लोग मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिला सभापति प्रदीप जी जो भी कुछ